दोस्तों, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले एक दौर हुआ करता था जब आप सिर्फ किसी कंपनी के बारे में ये बता दीजिए कि ये एक मोनोपोली कंपनी है और उस कंपनी में एक जबरदस्त रिटर्न्स आ जाती थी। लेकिन आज मार्केट का सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो चुका है और अब मोनोपोली कंपनीज की अगर हम बात करें, स्पेशली जो प्लेटफॉर्म रिलेटेड कंपनीज हैं, वहां पर रिटर्न्स नहीं आ रही है। IRCTC भी ऐसी ही एक कंपनी है जिसने बहुत जबरदस्त रिटर्न 3-4 सालों तक दी, लेकिन अभी पिछले 1 साल से रिटर्न्स इस कंपनी में नहीं देखने को मिल रही। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में, कहां से ये कंपनी अपना बिजनेस करती है, कैसी ग्रोथ यहां पर रही है, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मेरे अकॉर्डिंग आपको इस कंपनी में इस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपस्टॉक्स, एंजल वन और पेटीएम मनी का। आप जाकर वहां पर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों, IRCTC के शेयर पे काफ़ी सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या हमें इसके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले, अगर आपको मोस्टली लोगों को पता ही है IRCTC का मेन काम क्या रहता है, तो ये इंडियन रेलवे की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है, तो सरकारी कंपनी है ये एक। और अगर आप इस कंपनी के काम पे बात करेंगे तो जो आप टिकट प्रोवाइड करते हैं, जो आप टिकट ऑनलाइन खरीदते हैं तो IRCTC से खरीदते हैं, तो वहां पर कन्वीनियंस फीस की तरह इनके चार्जेस होते हैं, उससे इनका मेन इनकम होता है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जो वहां पर खाना सर्व होता है रेलवे के अंदर, उससे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। मेजरली ये 2 तरीकों से इनका मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर हम ब्रीफली इस कंपनी की बात करते हैं। अब कंपनी के बारे में वो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोनोपोली बिजनेस है रेलवे में। अगर आप देखते हैं IRCTC के अलावा कहीं और से आप टिकट नहीं करा सकते, और कोई करवाते भी हैं तो वो IRCTC ऑथोराइज ही ओनली कंपनीज होती हैं जहाँ से आप करवा सकते हैं। तो मोनोपोली बिजनेस है रेलवे में, जो फूड सर्व होता है मेजरली वो सारा यहीं से IRCTC का रहता है। तो एक मोनोपोली बिजनेस है इस कंपनी का। अगर हम यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी ग्रोथ यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सितंबर में 500 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स हुआ करती थी, जो अभी इस वक्त अगर आप देखेंगे सितंबर में जो लेटेस्ट रिजल्ट इसके आए हैं, उसमें 800 करोड़ के आसपास की इसकी सेल्स यहां पर हो चुकी है। तो सेल्स में अच्छी इंक्रीमेंट देखने को मिली है, लेकिन एक चीज यहां पर दिखती है कि जो इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है वो अगर आप सालों से देखते हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे दिसंबर 29 में 716 करोड़ के आसपास की इसकी सेल थी और अभी 806 करोड़ के आसपास सेल है। तो लगभग 3 साल पहले के क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो उससे भी अगर आप आज कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ नहीं है। मैं ये बीच के क्वार्टर्स कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, क्योंकि यहाँ पर थोड़े कोविड से रिलेटेड दिक्कतें थी जिसकी वजह से सेल्स आप बोल सकते हैं नॉर्मल लेवल्स की सेल्स नहीं थी। लेकिन जो रिसेंट इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं सितंबर, जून के, एटलीस्ट यहाँ पर सब नॉर्मल लेवल्स की रिजल्ट्स यहाँ पर इसके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप जून दिसंबर 2019 के देखेंगे जो नॉर्मल रिजल्ट्स थे जब तक कोविड का कोई असर नहीं था, रिसेंट में भी कोविड का कोई असर नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है। उसका क्या रीज़न है उस पर भी हम डिटेल में नेक्स्ट अभी वीडियो में बात करेंगे। तो एक बार ही मैं डिटेल में दिखा देता हूँ कि ये जो 806 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, इसका ब्रेकअप इनका क्या रहता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके डिटेल्ड रिजल्ट्स यहाँ पर देखते हैं, तो सेगमेंट रेवेन्यू से पहले एक बारी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 805 करोड़ के आसपास है, और अगर आप उसके अलावा देखेंगे अदर इनकम 25 करोड़ के आसपास इसकी होती है। और मेजरली एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे, सर्विस इंडस्ट्री है तो जो एक्सपेंसेस है वो केटरिंग सर्विस से रिलेटेड है, कुछ ये टूरिज्म की पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, उससे रिलेटेड इनके जो मेजर खर्चे हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो इस टाइप के खर्चे इनके यहाँ पर होते हैं, तो ग्रो इनके जो मार्जिन हैं वो यहाँ पर अच्छे ही जनरली देखा गया कि रहते हैं। अब सेगमेंट रेवेन्यू पे आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से इनको मेजर अपना रेवेन्यू होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इनको रेवेन्यू हो रहा है वो केटरिंग से इस वक्त हो रहा है, 334 करोड़ के आसपास का इनको रेवेन्यू अभी हुआ है जो लेटेस्ट क्वार्टर में सितंबर ने इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं। रेल नीर जो इनका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है उससे देखेंगे तो 72 करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ है, रेवेन्यू हुआ है।
इंटरनेट टिकटिंग जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, कन्वीनियंस फीस जो इनको मिलती है उससे 300 करोड़ का बिजनेस हुआ है, टूरिज्म से 69 करोड़ का। तो मेजरली अगर आप देखेंगे इंटरनेट टिकटिंग और केटरिंग, ये दो बिजनेस है जिनसे मेजर रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। उसके अलावा भी रेलनी, टूरिज्म, स्टेट, तीरथ, ऐसे करके अलग अलग इनके जो डिविजन्स रहते हैं उनसे इनको थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। ग्रोथ कहाँ पर देखने को मिलती है, तो कैटरिंग में ग्रोथ नहीं है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, लास्ट क्वार्टर से हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि तब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखते हैं तो ग्रोथ यहाँ पर कैटरिंग में नहीं देखने को मिली। इंटरनेट में भी देखेंगे तो फ्लैट यहाँ पर देखने को मिलता है। रेल नीर में थोड़ी सी डी ग्रोथ हुई है, टूरिज्म में भी डी ग्रोथ है। तो डी ग्रोथ आप सारे ही सेगमेंट्स में यहाँ पर हल्की थोड़ी बहुत डी ग्रोथ देखने को मिली है, और ओवरऑल रेवेन्यू में भी डी ग्रोथ देखने को मिली है अगर आप लास्ट क्वार्टर से इसको यहाँ पर कंपेयर करते हैं। लास्ट क्वार्टर में 852 करोड़ के आसपास था जो अभी 806 करोड़ के आसपास हुआ है। अब देख लेते हैं कि प्रॉफिट यहाँ पर इसको किस सेगमेंट से होता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो होता है जहां पर इसको कन्वीनियंस फीस ये चार्ज करते हैं, इंटरनेट टिकटिंग से ही इनका मेजर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो टोटल आप देखेंगे 288 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पर, प्रॉफिट यहाँ पर दिखता है, जिसमें से 252 करोड़ का प्रॉफिट इनको इंटरनेट टिकटिंग से ही हो रहा है। यानी कि जो मेजर 80-90% इनका प्रॉफिट है वो इंटरनेट टिकटिंग के बिजनेस से ही यहाँ पर होता है। उसके अलावा आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल इनके बिजनेसेस नहीं है। केटरिंग में आप देखिए 334 करोड़ की सेल के अगेंस्ट सिर्फ 35 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि 10-12% के मार्जिन्स ही है इनके केटरिंग में। तो केटरिंग में बहुत अच्छे मार्जिन्स नहीं है। रेल नीर में अगर आप देखेंगे 72 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो यहां पर भी मार्जिन्स नहीं है। टूरिज्म में तो लॉस इनको हो रहा है, यहां पर आप देखते हैं 69 करोड़ का इनका रेवेन्यू था जिसके अगेंस्ट लॉस हो रहा है। तो एक अगर आप इसको देखेंगे समझेंगे तो एक मेजर जो इनका रेवेन्यू सोर्स है वो ओनली जो कन्वीनियंस फीस से इनको जनरेट होता है वो यहां पर है, और उसके अलावा जितने भी ये सोर्सेज हैं उनमें बहुत ज्यादा इनका जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इसलिए बहुत ही कम यहाँ पर आप मान सकते हैं 10% के आसपास इनके बाकी जितने भी इनके 4-5 डिविजन्स हैं उनसे इनको रेवेन्यू अपना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये तो इनकी यहाँ पर बात है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें इस कंपनी के बारे में यहाँ पर समझनी पड़ेगी अगर आप IRCTC में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी अच्छी है, 24% की है 5 सालों में, लेकिन सेल्स की ग्रोथ सिर्फ 4% की है। अब आपको एक चीज समझनी है, IRCTC मोनोपोली बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी कंपनी है अगर आप मोनोपोली के एंगल से समझते हैं। लेकिन आप दूसरे एंगल से समझिए, IRCTC का मेन रेवेन्यू क्या है, इंटरनेट टिकट बुकिंग। अब अगर आप रेलवेज को समझेंगे, इंडिया रेलवे में देखेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जितनी भी मेजर रेलवे की जो टिकट्स होती है वो हमेशा हाउसफुल चलती है, बहुत लंबे लंबे हमें कभी भी तत्काल में टिकट मिलती है, या फिर अगर हम नॉर्मल टिकट जनरल में बुक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है। तो वो चीज़ के एंगल से आपको समझना है कि यहाँ पर जो इंटरनेट टिकटिंग की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनको नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि ऑलरेडी जो पेनिट्रेशन है वो ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा ट्रेन्स चलेंगी और उसमें बहुत ज़्यादा बुकिंग आएगी। तो उस एंगल से जो इनका इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद करने की फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपकी सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही, अगर नंबर ऑफ टिकट्स, एक आपको पता है कि आप एक ओवरबुक्ड लेवल पे चल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, कन्वीनियंस फीस बढ़ा सकते हैं। अब ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी में अगर वो प्रॉफिट के लिए फीस बढ़ाने की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर हल्ला हो जाता है कि भाई सरकार पैसा कमा रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये कन्वीनियंस फीस भी नहीं बढ़ाते। और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो कोशिश करती हैं कि वो जो पब्लिक है उनको फायदा दे सके। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि कन्वीनियंस फीस भी स्टेबल रहती है, इसकी वजह से इंटरनेट टिकटिंग में इनका जो ग्रोथ है वो यहां पर नहीं दिख रही है। और ओवरऑल 3 क्वार्टर पहले के मैंने आपको इसके रिजल्ट्स दिखा दिए, अभी के दिखा दिए हैं, ओवरऑल 3 साल में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ इनकी आ सकती है जो ये टूरिज्म, स्टेट, तीरथ, इन टाइप के जो इसके काम है वहां से अगर ये ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं तो इसके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि केटरिंग में इनको अपने मार्जिन इंप्रूव करने पड़ेंगे। लेकिन सरकारी कंपनी से आप बहुत ज्यादा मार्जिन इंप्रूवमेंट की यहां पर कोशिश नहीं रख सकते।
52% के इनके मार्जिन्स हुआ करते थे, जो अभी गिर के 38% के आ गए हैं। तो मुझे लगता है ये जो इनका अदर बिजनेस है, अदर देन इंटरनेट टिकटिंग है, उसकी रेवेन्यू की यहाँ पर मार्जिन्स में इंपैक्ट आने की वजह से यहाँ पर इतना इनके मार्जिन्स पे इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट टिकटिंग के बिजनेस में इनका मार्जिन अभी भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी इसके चलते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप इसका देखेंगे तो आपको एक दो चीजें मैं यहां पर दिखाता हूं कि एक तो जो प्रोमोटर है उसकी होल्डिंग फिक्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहां पर, तो उसकी शेयर होल्डिंग 67.4% पे यहां पर फिक्स है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे तो लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो भी शेयर होल्डिंग हुआ करती थी दिसंबर 2020 में 8.38% की, वो गिर के अभी 5.81% के आसपास आ गई है, और दिसंबर में 7.67% की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की थी, जो अभी गिर के 5.57% के आ गई है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे 5.57 में भी, तो गवर्नमेंट ने ही अपनी ही कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है, LIC ने 4.4% इन्वेस्ट किया हुआ है, तो सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करके यहां पर चल रही है। तो 4.4% तो ये आप ऐसे ही हटा दीजिए, बच गया 1.2% के आसपास, और इसमें से भी म्यूचुअल फंड्स के नाम आपको नहीं देखने को मिलते। सबसे ज्यादा दिक्कत की बात क्या है कि जो डोमेस्टिक जो पब्लिक है उसकी शेयर होल्डिंग इन कंपनीज में लगातार बढ़ती है, 16% से लेकर अभी 21% के आसपास यहां पर हो चुकी है। तो वो भी एक रिस्क है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स लगातार इस कंपनी में अपनी पोजिशंस बना रहे हैं। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, अगर आप चार क्वार्टर्स में पिछले बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दो चीजें इस कंपनी के बारे में समझना है। मोनोपोली बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जो मोनोपोली बिजनेस का जो एक बेनिफिट है वो इसके शेयर प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 64 चल रहा है, जो कि किसी भी सरकारी कंपनी के एंगल से बहुत ज्यादा इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। बुक वैल्यू देखेंगे सिर्फ 28 की है, तो बुक वैल्यू टू अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा इसका है। तो ओवर जो कंपनी है वो एक स्टेबल अच्छी कंपनी है, जो एक लगातार एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको जनरेट करके देगी, लेकिन इन वैल्यूएशंस पे ये कंपनी इन लेवल्स पे भी ज्यादा लगती है। हालांकि इसके शेयर में एक जबरदस्त गिरावट यहां पर आई है, 1100-1200 के आसपास इसका शेयर एक बार चला गया था, जो कि गिर के अभी 700 के आसपास इसका शेयर आ चुका है, लेकिन इतनी गिरने के बाद भी इसका जो शेयर है, इसकी जो वैल्यूएशंस है वो महंगी लगती है। एट बेस्ट अगर ये कंपनी 4-5% की डिविडेंड यील्ड भी दे रही होती तो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन होती, लेकिन डिविडेंड भी यहां पर इस कंपनी में नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर ये कंपनी 4-5% की, जैसे मोस्टली हम सरकारी कंपनीज में देखते हैं 4-5% की डिविडेंड यील्ड होती है, अगर ये कंपनी भी उतनी डिविडेंड यील्ड देने लगे तो फिर भी एक अच्छी कंपनी यहां पर ये साबित होती है, लेकिन इन वैल्यूएशंस पे वो चीज भी पॉसिबल नहीं हो पा रही इस कंपनी के लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेबल कंपनी है जो एक रेगुलर स्टेबल प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ दिखा सकती है, लेकिन इन वैल्यूएशंस पे ये कंपनी में, पहले भी आपको कई बार बोला है जब ये 1100 पे थी, 1000 पे आई थी, 900 पे भी यही बात बोली थी, आज 700 पे भी यही बात बोल रहा हूं कि कंपनी अच्छी है लेकिन महंगी कंपनी है। तो वो चीज मेरे को बार बार लगती है, काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है IRCTC को लेकर, मैं हर बार यही चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंपनी अच्छी है लेकिन इन वैल्यूएशंस पे अच्छी नहीं है। और अगर आप चार्ट्स की यहां पर बात करते हैं तो ये 700 के लेवल्स को अच्छे से अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम देखेंगे डिफेंड करती हुई आ रही है, 700 के लेवल से नीचे ये नहीं जा रही है, तो ये एक क्रिटिकल लेवल्स है इसके लिए। आप यहां पर देखिए 664-665 के आसपास गई थी, 680 के आसपास गई थी, तो ये जो इसके लेवल्स हैं 700 के आसपास के, इसको ये काफी अच्छे से डिफेंड करते हुए यहां पर आ रही है, और ये एक अच्छा सपोर्ट का काम 670-680 के जो इसके लेवल्स हैं वो यहां पर इस कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो इन लेवल्स का आपको यहां पर ध्यान रखना है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको IRCTC के लिए एक पर्सपेक्टिव समझने में हेल्प मिलेगी। वीडियो से हेल्प मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।